दोस्तों हिमाचल में चल रहा है इस समय एप्पल का सीजन और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से एप्पल सीजन का प्रोसेस रहता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग के एंड तक और वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और प्यारा सा एक कमेंट छोड़ दो यार। तो चलो बिना किसी देर के इस व्लॉग की करते हैं शुरुआत। सो हे गाइज, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर अनदर फ्रेश व्लॉग। तो गाइज, आज का ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने गांव से और जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं मैं अपने बगीचे में खड़ा हूँ और चारों साइड एप्पल ही एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं। तो एप्पल सीजन चला हुआ है दोस्तों, सेब एकदम से टूटने के लिए तैयार है। सो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से एप्पल तोड़े जाते हैं और क्या पूरा प्रोसेस रहता है एप्पल को पैक करने का और उसे मार्केट तक पहुँचाने का। तो चलो वो शुरू करते हैं आज का काम, लेके प्रभु का नाम। सुबह 9 बजे। तो और इसी के साथ आज का तुड़ान सेब का शुरू होने वाला है और ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है ये बैग्स जिसमें कि पेड़ से सेब तोड़कर इसमें डाले जाएंगे। सो गाइस चलो चलते हैं और अब करते हैं सेब का तुड़ान। दिन में 8 रह गए। YouTube देखते हैं, ठीक है? फिर आप फ्री फायर ही देखते हैं YouTube बस। भाई ने बोला करने का तो करने का। हेलो गाइस, टेक द पोजीशन। ओके ओके, किसके लिए लाए कुरकुरे इतने? हमारे लिए लाए। जो पूरा हरा दिखता है वो नहीं तोड़ना जैसे पिछली बार किया था। सो गाइस, कुछ इस तरह से सेब के पेड़ में चढ़कर सेब तोड़े जाते हैं और आप लोग देख सकते हैं अभी किस तरह से ये लोग सेब तोड़ रहे हैं। और अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एक मजेदार सी चीज। सो ये देखो गाइस। तो गाइस ये नॉर्मल लकड़ी से बनाई हुई चीज है तो इसे बोला जाता है खिंचू और ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जिस टहनी पे हम पहुँच नहीं सकते हैं इसे उसके थ्रू इस तरह से खींचा जाता है और हम सेब इजीली उस टहनी से तोड़ सकते हैं। कहाँ चाहिए ऊपर? फिर क्या आता है? कुछ नहीं आता। क्यों क्यों नहीं आता? कुछ नहीं, उस दिन तो सुना रही थी तू एबीसीडी। नाम बता अपना, जोर से बोल। क्या खा रही है? इसी के लिए तो लाया इसको मैं, और क्या काम है इसका? ये बैग पकड़ना पीछे जाऊँ या मैं पकड़ लूंगा? हो गया लो जी। इधर से यहाँ पे पीछे ले गया मैं कुछ। ये देख लो गाइस, आंटी जी ने तो ना सीडी को चेयर ही बना दिया है और मस्त इस पे बैठ के ना सेब तोड़ रहे हैं ऊपर। और ये है गाइस पर्सिमोन का पेड़ जिसे कि जापानी फल बोला जाता है। कंफ्यूज मत होना यार। ए तो थोड़ी लंबी है, रह गई मेरी छोटी सी। क्यों बड़ी क्यों रहेगी छोटी सी? छोटी ना काम को आई सी से भगी ने यार, खुद नहीं किया, खुद रही आराम से भगी है ना भगी। और साथ में यहाँ पर ना घर का काम भी चला हुआ है तो चलो एक बार देख कर आते कि क्या चल रहा है ऊपर। कौन सा बड़े वाला? क्या यार संदीप जी आपके पास पेचकस है? भाई जी है, पेचकस है। खुंडा हो गया पर मगर वो नहीं नहीं ये तो नहीं है। दो पेचकस, तीन पेचकस है ना दूसरे जगह। अच्छा अच्छा, दूसरी जगह लगे हो। चलो मैं लाता हूँ। नेटवर्क आया? नहीं आया, बीच बीच में आता रहा। ये चल पड़ेगा ना गाइस। ये चला था घर पर लकड़ी का काम और मैं था अभी पानी लेने। सो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सेब तोड़ रहे हैं हम, तो हमारा ये घर के पास वाला ही बगीचा है जिसमें हम आज सेब तोड़ रहे हैं। तो
अभी देख सकते हैं कुछ बिल्कुल लाल सेब हैं और कुछ कुछ ना बीच में इसमें हरे हरे से भी रह जाते हैं, तो वो अभी नहीं तोड़ रहे हम, उनको इसके बाद तोड़ेंगे। जैसे कि ये सेब है, तो अभी फर्स्ट पिक के लिए सिर्फ लाल सेब निकाल रहे हैं। पर एक आपको ब्लॉग में लेता हूँ आज, मेरे को क्या लेगा। बोलो कुछ, क्या बोलूं सेब तोड़ान के बारे में। भर गया बैग, लाल लाल तोड़ने बच्चों, हरे हरे नहीं तोड़ने हैं ना। ये तो पहले का बोला हुआ है। मेरे को क्या दिखाई दे, खेत में कौन देखता है। समझाना समझाना, दिहाड़ी खत्म। अगर कोई पकड़ने वाला है, ये किंग रॉड है, ये है गेल गाला, इसमें साइज लार्ज बना है सबने। तो कुछ इस तरह से चल रहा है अपना ये तुड़ान अभी सेब का, और अभी मैं जा रहा हूँ क्रेट्स लेने। मौसम भी एकदम से साफ हो गया है और अब तो धूप निकल गई है। सीढ़ी तो लगी है, भागी को नींद तो नहीं आज लगी। क्या देखो गाइस, तेरे को देख रही हूँ मेरा हुलिया क्या क्या बना रहा तू ऐसे। पूछ रहे हो कुछ आपसे? हाँ, नहीं अच्छा, इसमें जाएगी। सो गाइस, हमारा इस वाले बगीचे में सेब का तुड़ान कंप्लीट हो गया जितना हमने तुड़ान करना था, और अब बारी है उन सेबों को उठाने की जो सेब गिर जाते हैं पेड़ से सेब तोड़ते वक्त। तो अभी उन्हीं सेबों को उठा रहे हैं और ये इस तरह से क्रेट में रखे जाते हैं और साथ में हम ये घास रखते हैं सो दैट वो आइडेंटिफाई हो जाए। सो हमने यहाँ पर 60-70% एप्पल्स ही तोड़े हैं फर्स्ट पिक के लिए, और जो बाकी एप्पल्स रह गए हैं वो हम कुछ टाइम बाद तोड़ेंगे, क्योंकि अभी ये देखो कुछ एप्पल्स हैं जिनकी क्वालिटी अभी इम्प्रूव नहीं हुई है। सो हमने वही एप्पल्स छोड़े हुए हैं जो कि हम आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर इनको भी तोड़ लेंगे। सो इसके बाद हम जा रहे हैं दूसरे बगीचे में। लंच भी हमारा कंप्लीट हो गया है। गाइस, ये व्लॉग मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि किस तरह से सेब टूटता है और आगे उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है पैकिंग का और उसके बाद मार्केट तक ले जाने का। वीडियो को कर दो लाइक और एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना कि आप लोगों को और क्या जानना है एप्पल सीज़न के बारे में, क्योंकि अभी हमारा एप्पल सीज़न स्टार्ट हुआ है। सो आप लोग कमेंट करो, और अगर कुछ जानना है तो मैं नेक्स्ट जो हम तुड़ान करेंगे सेब का कुछ दिनों बाद, सो उस टाइम के लिए ताकि मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ लेकर आऊँ एप्पल सीज़न से रिलेटेड। सो चलो अभी फटाफट से चलते हैं दूसरे वाले बगीचे में। सो गाइज, हम आ गए हैं अभी अब दूसरे वाले बगीचे में जहाँ पर हमने तुड़ान करना है। सो यहाँ पर तो ऑलमोस्ट हम 100% क्रॉप जो है वो तोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी बनी है सेब की। सो गाइस, शाम के बज गए हैं अब 6 और ये होता है क्लोजिंग टाइम, और यहाँ पर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जो रह गया है वो हम कल आकर करेंगे। कल हमने दूसरे वाले बगीचे में भी सेब तोड़ने हैं। तो गाइस, आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और इस व्लॉग का नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लाऊंगा जिसमें कि आगे का प्रोसेस आप लोगों को मैं बताऊंगा कि सेब तोड़ने के बाद किस तरह से उसे ग्रेड किया जाता है और पैक किया जाता है, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। और इस व्लॉग को अभी के लिए कर दो लाइक, प्यारा से कमेंट कर दो और शेयर कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द इस व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।